सो दोस्तों, लेकर आ चुका हूँ मैं एक और वीडियो। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रेलवे जेई अनफिट कैंडिडेट्स की जो लिस्ट जारी कर दी है आरआरबी ने, उसके बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप इस चैनल का हिस्सा नहीं हैं, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो प्लीज़ उस जो रेड बटन है उसे प्रेस कीजिए और इस चैनल का हिस्सा बन जाइए। अभी तक अपन जेई से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं पूरे के पूरे कवर कर चुके हैं। ज्वाइनिंग लेटर हो, मेडिकल टेस्ट हो, डीवीओ, पूरा ए टू जेड अपन कर चुके हैं। और अभी आने वाले डेज में एनटीपीसी ग्रुप डी से संबंधित बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो गवर्नमेंट पूरी जॉब से उससे रिलेटेड पोस्ट आने वाली है, वीडियोज़ आने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल का हिस्सा बन जाइए। अब बातें कम करते हैं और फटाफट जो मेन कंटेंट है अपन उसके ऊपर आते हैं। आरआरबी रांची जोन ने मेडिकल अनफिट कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी, तो फटाफट चलते हैं वहाँ पर और क्या क्या दिया हुआ है, जो बैड न्यूज़ है उसे पूरा का पूरा पढ़ते हैं और आगे का क्या प्रोसीजर होगा उसके बारे में देखते हैं। सो ये लो दोस्तों, अपन पहुंच चुके हैं आरआरबी रांची जोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप यहां पर चेक कर सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रांची। आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे और थोड़ा सा राइट हैंड साइड पर देखेंगे प्रोग्राम्स एंड अपडेट में, जो सबसे पहला नोटिफिकेशन है आप देख सकते हो, नोटिस फॉर अपील फ्रॉम द अनफिट कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर अगेंस्ट CEN, जो अपना एडवर्टीजमेंट नंबर आया था JEE का 03/2018। आपको इस पर टैप कर देना है और नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या है अपन वो पहले देखेंगे। तो ये दोस्तों, ये रहा अपना 14/1/2020 में एक नोटिफिकेशन आया है अपना, इस पर मैंने क्लिक कर दिया है, ये डाउनलोड हो रहा है, तो फाइनली डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों अपन अब पढ़ लेते हैं अपन इसके बारे में क्या क्या दिया हुआ है। दोस्तों देखिए, डेट 14/1/2020 नोटिस। डियर कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट्स के लिखा गया है, आफ्टर बींग शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, यू अपियर्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन द, दोस्तों फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हमने जो आपको मेडिकल मेमो दिया तो कैंडिडेट्स अपना मेडिकल टेस्ट करवाने गए। अब उसमें भी कुछ ना कुछ क्राइटेरिया है, वो देखते हैं अपन, ठीक है। फिर इसमें लिखा हुआ है, हाउएवर एज पर द मेडिकल रिपोर्ट रिवाइज्ड रिसीव्ड फ्रॉम द रेलवे हॉस्पिटल, यू आर नॉट फाउंड फिट। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो फिट नहीं पाए गए हैं फ्यू प्रिस्क्राइब्ड मैनर में। अब वो कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं और कौन कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड है जिसमें वो अनफिट करार दे दिए गए, अपन पहले वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला, एज पर रेलवे बोर्ड गाइडलाइन फॉर द प्रोसीजर ऑफ अपील। दोस्तों अपील का मैं आप सभी को बता देता हूँ कि अपील का कैसा फॉर्मेट रहता है, क्या प्रोसेस रहता है और क्या क्राइटेरिया रहता है। पहले पॉइंट में, इफ एनी कैंडिडेट वॉन्ट टू अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द मेडिकल कमिटी, ही शी वुड सबमिट हिज और हर अपील टू चीफ प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर साउथ। दोस्तों इसमें दिया गया है कि आपको एक महीने के जो मंथ का ड्यूरेशन है, जो पीरियड है, उसके अंतर आपको अपील करना है। दोस्तों मैं ओरली आपको बता देता हूँ, क्योंकि अधिकतर सभी जो जोन से आरआरबी है आरआरसी, उसमें मेडिकल अपील का या रीमेडिकल का आप कह सकते हैं कि एक जैसा ही प्रोसेस और क्राइटेरिया रहता है। आप में आपको 1000 रुपीज फीस लगेगी, एज वेल एज आपको एक महीने के अंतर ही अपील करना पड़ेगा और आपको जिस मेडिकल स्टैंडर्ड में अनफिट दे दिया गया है उसका बिल्कुल आप जो डॉक्टर से चेकअप करवाएंगे, प्राइवेट हो, सेमी प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो भी डॉक्टर हो, उनके सील साइन, स्पेशली उनका जो भी MBBS होना और उन जिस दिन वो मतलब डॉक्टर की, दोस्तों वो भी वेरीफाइड रहते हैं, आप सभी को पता है, उनके जो नंबर्स रहते हैं वो उस पर शो होने चाहिए कि फॉर एग्जांपल उन्होंने MBBS किया है, BHMS किया हुआ है। क्योंकि दोस्तों जो रीमेडिकल करेंगे वो भी हो सकता है कभी उन्हें कॉल करके पूछ ले सकते हैं कि ये कैंडिडेट्स आया था क्या और इस ने वहाँ पर वो टेस्ट करवाए थे क्या, ठीक है। अपन और थोड़ा सा नीचे पढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पर If you wish to appeal against the medical verdict, kindly send the appeal as indicated above Railway Recruitment Board Ranchi। आपको 13 फरवरी के पहले अपील जो 1000 रुपीज़ का है फॉर्मेट का पूरा वो करना है। और उसके आगे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है, अपील विद जस्टिफिकेशन ड्यूली साइन विद द कैंडिडेट इंडिकेटिंग इज और हिज रोल नंबर। आपको साथ ही साथ अपना रोल नंबर और जो पूरा का पूरा इंडिकेट होना चाहिए उसमें। मेडिकल सर्टिफिकेट इशू, मैंने आपको बताया कि जो भी उनका प्रिस्क्रिप्शन रहता है वो ज़रूर लेके जाना है आपको। और साथ ही साथ आप देख सकते हो 1000 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट, वो नॉन रिफंडेबल रहेगा। अगर आप बिल्कुल श्योर पाए जाते हैं, फिट पाए जाते हैं,
तो आपको 1,000 रुपीज़ रिफंडेबल हो जाएंगे। अगर नहीं पाए जाते तो 1,000 रुपीज़ आपके डूब जाएंगे। तो प्लीज़ आप जब भी इसके लिए श्योर हो जब भी करवाएं, नहीं तो आपके 1,000 रुपये दोस्तों आप गवा बैठोगे। अब एंड में क्या है इसमें लिखा हुआ है, एंड में 3 सब पॉइंट्स है ए बी सी। ए में लिखा हुआ लिस्ट ऑफ 58 कैंडिडेट्स हु अटेंडेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेंस्ट CN0 थ्रू बट वर नॉट फाउंड इन प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल कैटेगरी। अब नीचे देख लेते हैं अपन कितने कैंडिडेट्स है। वो कॉपी ऑफ द फॉर्मेट ऑफ मेडिकल एनेक्सर फर्स्ट और परफॉर्मा फॉर अपील। अब परफॉर्मा भी अपील के लिए वो दे दिया गया है। तो नीचे देख लेते हैं दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली कितने कैंडिडेट्स हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं 58 कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, 58 कैंडिडेट्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है लिस्ट ऑफ द 58 कैंडिडेट्स हु अटेंडेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेंस्ट बट वर नॉट फाउंड इन फिट इन प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल कैटेगरी। दोस्तों जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक्स वाई जेड कोई सी कैटेगरी डाल दी कि मुझे इसमें करना है, और अगर आप एक्स में नहीं पाए जाते तो आपको वाई का मिलेगा, बट अगर आपने कोई कैटेगरी नहीं डाली है मात्र एक्स ही डाल दिया तो दोस्तों ये बहुत दिक्कत की बात है। तो 58 जो कैंडिडेट्स है उनको अनफिट करार दे दिया गया है। आप देख सकते हो दोस्तों 58 कैंडिडेट्स को अनफिट करार दे दिया गया है, वो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड में। आप देख लीजिए यहाँ पर जो DV की डेट भी बता दी गई है, रजिस्ट्रेशन नंबर बता दिया गया है, रोल नंबर बता दिया, कैंडिडेट्स नेम, DOB रिमार्क। अब जैसे को अनफिट इन AN B1 कैटेगरी अपील टू मोड, दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इनको बता भी दिया गया है कि कहाँ से आप कैसे क्या अपील कर सकते हो। दोस्तों 58 कैंडिडेट्स आप सोच सकते हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा। दोस्तों ये इनका मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द स्पेशलाइज जो भी डॉक्टर से आप करवाते हैं तो आपको इसको फोटो कॉपी करवा के इसे प्रिंट आउट निकालना और इसे फुलफिल करवाना है। और नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे एनेक्सर बी दोस्तों आपको अपील करने का और जो 1,000 रुपीज़ का जो भरना है डिमांड ड्राफ्ट उसका है। दोस्तों ये बहुत ही सैड न्यूज़ है, मैंने इसीलिए थंबनेल में डाला कि ये बहुत ही बैड न्यूज़ आई है सभी कैंडिडेट्स के लिए। बुरी खबर है कि अप्रॉक्सीमेटली 58 कैंडिडेट्स को अनफिट करा दे दिया गया है, 58 कैंडिडेट्स आप सोच सकते हैं। तो मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जो 58 कैंडिडेट्स है उनका सिलेक्शन हो जाए और वो बिल्कुल फिट पाए जाएँ और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी जो मात्र एक पड़ाव दूर है वो भी उस जॉब का हिस्सा बने और उसके एडवांटेजेस और अलाउंसेस का फ़ायदा उठा सके और वहाँ पर बहुत अच्छे से हार्डवर्क और डेडिकेशन दिखा सके। दोस्तों जो मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता था होप आप सभी को वो मिल जाए। और आप सभी को पता है कि अगर वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है। दोस्तों अगर अभी तक आप इस चैनल का हिस्सा नहीं बने तो प्लीज़ चैनल का हिस्सा बन जाइए। और आप सभी को पता है कि अपन चैनल पर अब बिल्कुल जो न्यूली लेटेस्ट अपडेट है वो डे टू डे पोस्ट करते रहेंगे और वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे। दोस्तों आपके इसके साथ ही साथ जो भी डाउट्स और क्यूरीज है किसी से भी रिलेटेड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, एज सून एज पॉसिबल मैं उसे फीडबैक देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अपना खुद का ध्यान रखें, मेहनत करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।